नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हाफिले आने वाले हैं, थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट बता दीजिए। वैसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स से 11th क्लास में तो आपको बहुत कुछ करना चाहिए, ठीक है। मैं समझता हूँ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करें, बहुत अच्छी बात रहेगी, लेकिन मैं आपके लिए कुछ बातें बता रहा हूँ, इनको जरूर करके जाइएगा। मैं समझता हूँ आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। देखिए चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है ना, चैप्टर 9 है आपका, और चैप्टर 9 के इनसाइड टेक्स्ट बुक्स में पेज नंबर 182 पर एक एग्जांपल है 6, इसे आप जरूर करके जाइएगा। और एग्जांपल नंबर 8, इन दो क्वेश्चनों को 6.9.2 एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन आपको जरूर आने चाहिए, ध्यान रखना। यदि आपको इतना आएगा तो मैं समझता हूँ आप बहुत कुछ कर पाएंगे, लेकिन इन दो क्वेश्चनों को आप जरूर एक बार अच्छी तरह समझ लेना, ठीक है। मैं इनको समझा देता हूँ, कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बताऊंगा कि कैसे कंसेप्ट एप्लीकेबल हो रहा है और इस तरह के दूसरे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे जाएंगे, इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं एग्जांपल नंबर 6। वो कह रहा है द सम ऑफ एन टर्म ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो 3n+8 रेशियो 7n+15 फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12 टर्म्स, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि द सम ऑफ एन टर्म ऑफ टू एपी, दो एपी है, ठीक है ना, आपको दो एपी हैं, दो एपी के एन टर्म का सम का जो रेशियो है आपको गिवन है और आपको पूछ रहा है बताओ उस एपी के 12th टर्म का रेशियो क्या होगा, उन दोनों जो एपी है, ठीक है। आपके पास पहली एपी है, मान लेता हूँ फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म आपके पास A1 है और फर्स्ट टर्म A1 है, लिख लें यहाँ पर फर्स्ट टर्म A1 है और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस D1 है, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हैं N, आपको बताना है इसके N टर्म का सम, N टर्म का सम कितना होगा, Sn होगा इसका पहली AP, S1 लिख लूँ यहाँ पर, S1 पहली AP के N टर्म का सम होगा n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू D1, ठीक है जी। ये पहली एपी थी, पहली एपी का फर्स्ट टर्म को हमने A1 माना, कॉमन डिफरेंस D1 माना, तो हम जानते हैं उस एपी के एन टर्म का जो सम है वो n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू D1 आएगा। इस टर्म मैंने एपी पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको बना रखे हैं, इस कंसेप्ट को मैंने बहुत अच्छी तरह आपको समझा रखा है। यदि आप उसको देखना चाहते हो, बहुत अच्छे क्वेश्चन देखना चाहते हो, तो नीचे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उस प्लेलिस्ट पर जाकर आप चैप्टर वाइज बहुत अच्छे क्वेश्चन देख सकते हो, इस चैप्टर के क्वेश्चन भी देख सकते हो। अब मान लो सेकेंड एपी आपके पास, सेकेंड एपी क्या है, सेकेंड एपी है मान लेता हूं इसे सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मान लेते हैं आप A2 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना मान लेते हैं D2 है, तब आप इसके एन टर्म का सम सेकेंड एपी है, ध्यान रखना मैं डबल डैश लिख रहा हूं यहां पर, ये हो जाएगा आपके पास n/2 2A2 प्लस n-1 D2, ध्यान रखना है यहां पर A2 सेकेंड टर्म नहीं है, ये जो A2 है सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म है, ठीक है ना, दो एपी है। अब आपको गिवन है, आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कि S1 फर्स्ट एपी, सॉरी Sn ऑफ द फर्स्ट एपी और Sn ऑफ सेकेंड एपी, इन दो एपी का जो रेशियो है आपको कितना दे रखा है, वो दे रखा है 3n+8 अपॉन 7n+15, ठीक है जी। अब आप इसे लिख लिए Sn, पहले एपी के Sn का टर्म इतना समय आपके पास, आप इसे लिखिए n/2 2A1 प्लस n-1 D1, ये फर्स्ट एपी के n टर्म का सम है, और डिवाइड बाई सेकेंड एपी के n टर्म का सम आपके पास ये है n/2 2A2 प्लस n-1 D1 इक्वल टू कितना रखा है 3n+8 अपॉन 7n+15। इससे आप चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो, आप इसे लिख सकते हो 2a1 प्लस n1-D1 अपॉन 2a2 प्लस n1-D2 इक्वल टू 3n+8 डिवाइड बाई 7n+15, ठीक है जी। आपको बताना है इसके 12th टर्म का रेशियो क्या होगा, ठीक है भाई, इस एपी का 12th टर्म क्या होगा, मैं आपसे पूछूं जरा इसका 12th टर्म बताइए, तो आप क्या लिखोगे इसका 12th टर्म, इसका 12th टर्म हो जाएगा सर A1 प्लस 12-1 D1, कहने का मतलब है A1 प्लस 11 D1,
ये आएगा। आपसे पूछा इसका 12 टर्म क्या होगा, तो आप कहोगे सर ए टू प्लस 11 डी टू, इसका 12 टर्म ये होगा। तो आपको बताना है कि दिस अपॉन दिस क्या होगा, ठीक है ना, 12 टर्म का रेशियो क्या होगा। तो ऊपर आपको क्या चाहिए, ऊपर चाहिए आपको ए वन प्लस 11 डी वन ऊपर, और नीचे क्या चाहिए, नीचे चाहिए आपको ए टू प्लस 11 डी टू। तो यहां पर एन की वैल्यू क्या पुट करें, एन की वैल्यू यहां पर क्या पुट करें दोनों तरफ, कि आपको इधर तो क्या आ जाए 11 आ जाए, ठीक है, ए वन प्लस 11 डी वन आ जाए, और इधर क्या आ जाए ए टू प्लस 11 डी टू आ जाए। दोनों तरफ एन की वैल्यू क्या पुट करें ये बात देखनी है, ठीक है। तरीका क्या होगा सॉल्व करने का, सॉल्व करने का तरीका ये रहेगा कि आप पहले यहां पर 2 हटाएं, क्योंकि यहां पर 2 नहीं चाहिए, ठीक है ना भाई। 11 टर्म निकालेंगे तो सॉरी 12 टर्म निकालेंगे तो क्या हुआ, ए वन प्लस 11 डी वन आएगा, और इसका 12 टर्म निकालेंगे सेकंड एपी का तो क्या आएगा ए टू प्लस 11 डी टू आएगा। तो यहां पर 2 नहीं चाहिए मेरे को, तो मैं क्या करूं 2 से डिवाइड कर दूंगा नीचे, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो यहां पर आ जाएगा ए वन प्लस एन वन माइनस 1 अपॉन 2 डी वन, और यहां पर आ जाएगा ए टू प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 डी टू। मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दिया है। 2 से इसलिए डिवाइड किया है कि मुझे यहां पर ए वन चाहिए और यहां पर क्या चाहिए, खाली ए टू चाहिए, और इधर क्या रहेगा, इधर आएगा 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15, ठीक है जी। अब लिखेंगे फॉर 11th टर्म, सॉरी फॉर 12 टर्म, 12वें टर्म का रेशियो चाहिए ना आपको, फॉर 12 टर्म्स के लिए क्या लिखेंगे कि ये जो चीज है वो कितनी होनी चाहिए, ये 12 टर्म का माना जाएगा, ये 12 टर्म तब माना जाएगा ये जो चीज है वो 11 हो, ठीक है। ए वन प्लस 11 डी वन होगा तो ये पूरा टर्म क्या माना जाएगा, 12 टर्म माना जाएगा, समझ रहे हो ना भाई। हम इसका 12 टर्म निकालना चाहते हैं तो क्या बन जाएगा, ए वन प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी वन, तो 11 चाहिए ना यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब है 12 टर्म के लिए ये जो चीज है वो 11 चाहिए, एन माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू कितना होगा, 11 होगा। यदि स्टूडेंट आपसे पूछता बताइए 20 टर्म का रेशियो क्या होगा, तो आपको यहां पर ये चीज चाहिए ना, कितनी चाहिए 19 चाहिए। वो पूछता बता 25 टर्म का रेशियो क्या होगा, तो ये चीज कितनी चाहिए 24 चाहिए। क्वेश्चन किस तरह का भी हो सकता है ना, सॉल्व हो सकता है ना कोई भी क्वेश्चन। अब आप यहां से एन की वैल्यू निकालिए, एन माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा 22 आएगा, तो एन कितना आएगा 23 आएगा। दोनों तरफ 23 पुट कर दो, पुट एन इक्वल टू 23 बोथ साइड, तो कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा ए वन प्लस 11 डी वन, और इधर आ जाएगा ए टू प्लस 11 डी टू, और इधर कितना आ जाएगा 23 पुट कर दो, तो 3 इंटू 23 प्लस 8 अपॉन कितना हो जाएगा 7 इंटू 23 प्लस 15, ठीक है जी। इसे सॉल्व करेंगे तो आपके रेशियो क्या बनना है स्टूडेंट, ये निकल के आ जाएगा आपके पास 7 अपॉन 16, ठीक है ना। इसे सॉल्व करोगे ना पूरे को तो कितना आ जाएगा 7 अपॉन 16। तो आप कह सकते हो कि उनके 12 टर्म का जो रेशियो आएगा वो 7 अपॉन 16 आएगा। स्टूडेंट इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करा जाएगा, समझ गए ना। अब इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छी तरह से कर लें, एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 8 दो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिनको जरूर कर लीजिएगा। और ध्यान रखें जब आप एग्जाम्पल नंबर 8 कर लेंगे ना तो आप क्वेश्चन नंबर 16 भी कर लेंगे एक्सरसाइज का, ठीक है। इस 8.9.2 एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन नंबर 18 भी कर लेंगे, जो एज इट है एग्जाम्पल नंबर 8 जैसा, ठीक है ना। आप एक बार इसे बहुत अच्छी तरह कॉपी करिए, उसके बाद बताऊंगा कि एग्जाम्पल नंबर 8 कैसे सॉल्व करा जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल 8 के बाद में आप क्वेश्चन नंबर क्या सॉल्व कर सकते हो, 16 सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको और बना के दूंगा, उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। यदि आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो मैं समझता हूँ 9.2 एक्सरसाइज के आप सभी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हो। जो मैंने क्वेश्चन अभी सॉल्व किया है उस तरह का क्वेश्चन 12 भी है, आप उसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व किए जा सकते हैं, राइट। ये वो कह रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 8 पे वो कह रहा है कि इंसर्ट 6 नंबर बिटवीन 3 एंड 12, ठीक है, सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन एन ए पी। आपको क्या करना है कि 3 और 24 के बीच में, 3 और 24 के बीच में आपको कितने नंबर बताने हैं, आपको 6 नंबर बताने हैं, जिससे पूरी ये सीक्वेंस जो बने वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए पी बन जाए। कितने नंबर बताने हैं, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव और कितने नंबर बताने हैं ए सिक्स, ठीक है जी। अब काम करने का तरीका समझिएगा, यहाँ पर आपको 2 नंबर थे उनके बीच में 6 नंबर चाहिए, और पूरा सीक्वेंस किस में चाहिए, आपको एपी में चाहिए, राइट। यहाँ 6 नंबर है वो आपको 8 नंबर भी कह सकता है, यहाँ नंबर 3 और 24 है नंबर कुछ भी कह सकता है, ठीक है।
काम करने का तरीका समझिए, काम कैसे कराया जाएगा इस बात को समझना है, क्वेश्चन को नहीं समझना है, मैं कर क्या रहा हूं इस काम को, ठीक है। यहां जो नंबर लिखे जाने हैं इन्हें हम अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अब ये नंबर कैसे निकाले जा सकते हैं जरा समझिए, आपको यहां पर दो नंबर दे रखे हैं और आपको आपको छह नंबर चाहिए, तो टोटल नंबर कितने आएंगे सीक्वेंस में। फर्स्ट नंबर क्या है सीपी का, फर्स्ट टर्म है आपका जिसे आप ए कह सकते हो, मान लेता हूं थ्री है, मान क्या लेता हूं है थ्री, ठीक है ना। टोटल टर्म्स कितने होंगे, टोटल टर्म्स इन एपी कितने हो जाएंगे भाई, दो नंबर तो आपके पास ही है, छह नंबर ये चाहिए, तो टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे, एट हो जाएंगे, ठीक है ना। यदि आपको दस नंबर पूछता तो टोटल टर्म कितने जाते, ट्वेल्व हो जाते। अब आपके पास ये एट्थ टर्म है ना, वो ये है, आप कह सकते हो कि एट्थ टर्म जो है वो कितना आपके पास 24 है, फर्स्ट टर्म आपके पास कितना है 3 है, एट टर्म आपके पास 24 है। मान के चलते हैं लेट कॉमन डिफरेंस इज अ डी, कॉमन डिफरेंस क्या मान लें, डी मान के चले, तो हम लिख सकते हैं एट टर्म को क्या, एट टर्म को लिख सकते हैं ए प्लस एट माइनस वन इंटू डी बराबर कितना है 24 है। ए हमें पता है कि ए हमारा 3 है, तो 3 प्लस 7 डी इक्वल टू कितना हो गया 24 आ गया, 7 डी इक्वल टू कितना हो गया 24 माइनस 3 हो गया, इसको इधर ले आए तो डी बराबर कितना हो गया 7 डी बराबर 21 आ गया, तो डी बराबर हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया। तो हमें यह पता लग गया कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 है। अब आपसे पूछा गया कि ए वन बताइए, तो ए वन क्या है स्टूडेंट, ए वन एक्चुअली जो है पहला अर्थमेटिक मीन है और ये दूसरा टर्म है, ये पहला टर्म ये था, ये दूसरा टर्म, तो दूसरा टर्म क्या होगा, दूसरा टर्म होगा ए प्लस डी, भाई इसमें डी जोड़ दो तो ये आ जाएगा, फिर इसमें डी जोड़ दो तो ये आ जाएगा। आपसे पूछे ए टू क्या होगा, तो आप कह सकते हो ए प्लस टू डी, ये थर्ड टर्म होगा, है ना, ये कौन सा टर्म होगा, ये फोर्थ टर्म होगा। आप कह सकते हो ए थ्री क्या होगा, ए थ्री आपके पास होगा ए प्लस टू डी, सॉरी थ्री टर्म ए थ्री डी, बस मेरे ना, इस तरह से आप सारे टर्म्स निकाल सकते हो। तो आप कह सकते हो कि पहला नंबर क्या होगा, पहला नंबर होगा 3 प्लस 3, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, इससे सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 3 2 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 6 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 3 इंटू 3 12 हो जाएगा। तो इस तरह से नंबर पता लग गया कि ये 6 हो जाएगा, ये 12 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा, क्लियर है ना। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं समझता हूँ आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अब जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उससे आप जरूर सॉल्व करना और उसके आंसर को पब्लिकली कमेंट बॉक्स में रखना, ठीक है, इससे आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट हो। और हाँ ये बात और अच्छी तरह पता है कैसे समझ आएंगी, ये तब समझ आएंगी जब इन बातों को आप अपने फ्रेंड को बताओगे कि देखिए दो नंबर के बीच में एन अर्थमेटिक मीन इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। यदि हमें कोई टर्म सम का रिश्यू दे रखा हो तो उसके टर्म्स का रिश्यू कैसे निकाला जाता है, इन बातों को अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करिए, क्वेश्चनों को अपने हिसाब से बनाइए और अपने हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। एक बार ऐसे कॉपी कर लीजिए ईश्वर, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी टेस्ट बुक से ही है, क्वेश्चन नंबर है आपका एनसीईआरटी 9.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें। मैं समझता हूँ आप सॉल्व कर सकते हो, यदि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी तो, ठीक है, यदि बात समझ में नहीं आएगी तो दोबारा एक बार वीडियो को देखिए ढंग से और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूर कोशिश करिए और आंसर को पब्लिकली कमेंट बॉक्स में रखिए, रखेंगे ना, जिससे आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट हो सका, ठीक है ना। जो मैं आपको टिप्स देता हूँ कि आप अपने फ्रेंड की हेल्प करिए, तो विश्वास करिए आप उनकी हेल्प करिए, ऐसा करने से आपका भी भला होगा और आपके फ्रेंड का भी भला होगा, मेरे कहने बात मानिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।